बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एच एल ट्रिकी जीके क्लास में। तो हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पिछले पार्ट में हमने जल गैस, कोल गैस और धातु किसे कहते हैं, इस पर मैंने चर्चा किया था। तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। धातुओं की प्राप्ति, जी हाँ, पृथ्वी की धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है और कितनी मात्रा में होती है, इस पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी की भू पापर्टी यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है क्रस्ट, तो पृथ्वी की भू पापर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भू पापर्टी में मिलने वाले धातुओं में एल्यूमिनियम 7%, लोहा 4% और कैल्शियम 3% क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। यानी कि भू पापर्टी में एल्युमिनियम सबसे अधिक 7%, लोहा उससे कम 4% और कैल्शियम 3%। इस तरीके से पृथ्वी के भू पापर्टी में ये धातुएं पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे खनिज यानी कि मिनरल्स किसे कहते हैं। भू पापर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अब हम बात करेंगे अयस्क यानी कि ओर्स किसे कहते हैं। वह खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गैंग से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, गैंग से क्या तात्पर्य है, देखिए इसके अंतर्गत अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, फ्लक्स किसे कहते हैं। अयस्क में मिले गैंग पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, धातु मल से क्या तात्पर्य है। देखिए इसके अंतर्गत गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को धातु मल यानी स्लैग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन से क्या तात्पर्य है। देखिए इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रव्यमान यानी कि मेल्टिंग पॉइंट्स से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं। इसलिए गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। जी हाँ, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भर्जन। भर्जन यानी कि रोस्टिंग किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है। देखिए इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं। इसलिए गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है रोस्टिंग। अब हम बात करेंगे एस मेल्टिंग। जी हाँ, इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं। इसलिए गर्म करते हैं ताकि शुद्ध धातु प्राप्त हो। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है एस मेल्टिंग। जी हाँ, और आगे बढ़े तो संक्षारण। जी हाँ, संक्षारण किसे कहते हैं यानी कोरेजन क्या है। देखिए संक्षारण में क्या होता है, धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण या कोरोजन कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना,
ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3XH2O। ये फेरसोफेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। और संक्षारण को कैसे दूर किया जाए, तो संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगा करके, यसद लेपन करके और क्रोमियम लेपन करके, और इसके अलावा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यसद लेपन किसे कहते हैं। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, यसद लेपन किसे कहते हैं। लोहे और इस्पात को, लोहे या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। तो और भी आगे बढ़ें, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, प्रश्न नंबर 1 देखिए। भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और राजस्थान के किस स्थान पर, उसका नाम है देगाना खान, वहाँ पर सबसे अधिक टंगस्टन का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, टंगस्टन का गलनांक तथा संकेत क्या होता है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो संकेत होता है वो होता है W। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए, कौन सी धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा जिरकोनियम धातु। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, बेडिलेआइट ये किसका एक अयस्क है, तो ये है जिरकोनियम का। प्रश्न नंबर 5 देखिए, जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में क्यों उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है इसका उपयोग न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण। जिरकोनियम, कैडमियम और बोरान, इसमें होता क्या है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुण होते हैं, इसी के कारण इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए, बेराइल किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो ये है बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, फ्रांसियम क्या है, तो फ्रांसियम है, यह एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 क्या है, स्टेनस सल्फाइड यानी कि SnS2 को मोसोइक गोल्ड कहते हैं, और इसका उपयोग पेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, 9 सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम, और प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 10, वेरियम हाइड्रोक्साइड को वेराइटा वाटर कहते हैं, तो वेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, वेराइटा वाटर। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए, वेरियम सल्फेट का उपयोग वेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। तो ये थी रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी प्रश्न। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।